आज रक्षाबंधन का दिन है और इसी पवित्र दिन को भारतीय जनता पार्टी के अपने स्वामित्व के पहले केंद्रीय कार्यालय के लिए चुना गया है। अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इस भूमि पूजन में सभी पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण जेटली जी, रामलाल जी और सभी वरिष्ठ नेता हम सब साथ में थे और अभी अभी ये भूमि पूजन संपन्न हुआ है। मित्रों, आज 2016 में पार्टी जिस जगह पे खड़ी है उस जगह से पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो 1950 से लेकर 2016 का ये सफर देखने में, बोलने में, कुछ वाक्यों में इसको समेटा जा सकता है, मगर 1950 से 2016 का ये पूरा सफर अनेकानेक कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान और न जाने कितना परिश्रम सभी कार्यकर्ताओं ने किया है, तब पार्टी आज इस मकाम पर खड़ी है। 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी भारतीय जनसंघ की यात्रा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में जाकर ठहरी है और मैं मानता हूं ये भी एक मकाम है, हमारा लक्ष्य इससे भी आगे है। मगर आज इस स्थान पर खड़े रहकर देखते हैं तो देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी एक पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। 1000 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनकर अलग अलग प्रांतों में उस प्रांत के विकास के लिए आज कार्यरत है। 300 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के दोनों सदनों में बैठते हैं और देश के विकास के लिए कार्यरत है और 30 साल के बाद और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के साथियों के साथ चल रही है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मित्रों, ये आज जो वैभव दिख रहा है पार्टी का, वो वैभव कोई एक महीना, दो महीना, कुछ साल का संघर्ष नहीं है। 1950 से 2016 तक अविरत न जाने कितने नामी अनामी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपने पूरे जीवन को पार्टी के लिए लगाया है, तब पार्टी यहां पर पहुंची है। श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी, अडवाणी जी, अटल जी, कुशाभाव जी, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, कैलाशपति मिश्र, कितने कितने नाम गिनाए, सभी लोगों ने पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया, तब ये पार्टी यहां पर पहुंची है। और प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता और पार्टी का संगठन और पार्टी की विचारधारा, तीनों की आज जो जन स्वीकृति है, इसी का परिणाम है कि 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं शासन में बैठे हैं, देश के 15 राज्यों। केंद्र में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और सरकार भी ऐसी चल रही है कि सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 साल हो गए, मगर आज भी लोग इतनी ही लोकप्रियता सरकार की बनी है जितनी शपथ ग्रहण दिन के दिन थी, इतनी ही लोकप्रियता सरकार की बनी है। मित्रों, ये जो काम हमारा बड़ा है, पार्टी के संगठन के कारण, पार्टी के विचारधारा के कारण, और 2014 का अगर जिक्र करें तो प्रधानमंत्री जी की जो प्रचंड लोकप्रियता थी वो पार्टी के जन समर्थन में बदली है। हम सबका दायित्व है
जिनकी जिनकी पार्टी में जिम्मेदारी है वो सभी कार्यकर्ता, और जिनकी नहीं है वो सभी कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता के नाते, कि जो जन समर्थन हमारे पास जुटा है उसको स्थायित्व देने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं मानता हूं कि जनसंघ की स्थापना से आज तक ये पार्टी का चुनावी सफलता की दृष्टि से, संगठनात्मक विस्तार की दृष्टि से और पार्टी के कार्यक्रमों की दृष्टि से शायद ये सर्वोच्च समय होगा। मगर हम सब कार्यकर्ता आज मोदी जी के नेतृत्व में ये तय करें कि हमें इसको सर्वोच्च नहीं बनाना है। बहुत लंबी लंबा मार्ग, अभी भी लंबी सफर हमें तय करनी है, इससे संतुष्ट होने का समय नहीं। और इसीलिए पार्टी ने अनेकविध कार्यक्रमों को हाथ में लिया है। पार्टी के सबसे पहले कार्यक्रम है सभी के सभी 585 संगठनात्मक जिलों के मुख्यालय पर पार्टी की मालिकी का एक कार्यालय तुरंत ही बनाया जाए और 250 से ज्यादा जगह पर भूमि खरीदने का काम समाप्त कर दिया गया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम पार्टी के काम को स्थायित्व देना चाहते हैं तो पार्टी को अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से चलानी पड़ेगी। सिद्धांत तो हमारे हम बनाए रखेंगे मगर समय के साथ पार्टी को चलाने के जो तरीके हैं उसको हमने बदलना पड़ेगा। ये पार्टी के जो मुख्यालय हर जिले में बनेंगे वो अत्याधुनिक होंगे। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर ये जो नया कार्यालय बनेगा वहां से लेकर तमिलनाडु के अंतिम कार्यालय तक वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था होगी। अरुणाचल की सीमाओं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो पाएगी। इस प्रकार के पार्टी के कार्यालयों की व्यवस्था करनी है। मित्रों, इसके साथ साथ पार्टी का इतिहास, पार्टी की गतिविधियों का डॉक्यूमेंटेशन और पार्टी के अब तक जनसंघ की स्थापना से अब तक जितना भी कार्यक्रम आंदोलन हुआ इसका डॉक्यूमेंटेशन करने का काम भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। और ये काम समाप्त होते ही मैं मानता हूं कि दुनिया भर के राजनीतिक क्षेत्र के आंदोलनों के और राजनीतिक पार्टियों के इतिहास पर अभ्यास करने वाले लोगों के लिए एक बहुत रिसर्च करने के लिए एक बहुत अलग अलग प्रकार के, जिसमें सभी चीजें उपलब्ध होगी, ऐसा दस्तावेज हम खड़ा कर पाएंगे। देश भर से कार्यकर्ताओं से जितने भी आंदोलन हुए, जितने नेताओं के प्रवास हुए, उसके परिपत्र, उनके फोटोग्राफ, उनके भाषणों का ऑडियो वीडियो सब इकट्ठा किया जा रहा है और इसको हम पार्टी के इतिहास को समाहित कर 2050 से 2014 तक की पूरी यात्रा को हम रखेंगे। और 1950 से 2014 तक की, और अब आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी से माध्यम से मंडल स्तर पर भी अगर एक कार्यक्रम होता है तो इसकी सूचना कुछ ही मिनटों में कार्यालय पर आएगी और डे टू डे डॉक्यूमेंटेशन उसका होता रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हर कार्यालय में पुस्तकालय, हर कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में करी है। बहुत समय से हम पार्टी चला रहे हैं। 1950 से लेकर आज तक की यशस्वी यात्रा जब यहां पर हम लेकर पहुंचे हैं, उस वक्त पार्टी चलाने के तरीकों में भी एक नई सोच, समयानुकूल सोच लाना बहुत जरूरी है। इसलिए पार्टी के काम को 19 विभागों में बांट दिया गया है। उसी विभागों में प्रदेश कार्यालय चलेंगे और उसी में से चयनित 14 विभागों में जिला कार्यालय चलेंगे। जिस 19 विभागों में केंद्रीय कार्यालय चलेगा उसी 19 विभागों में प्रदेश कार्यालय चलेंगे और 5 काम छोड़कर 14 का विभाग हर जिला कार्यालय में भी होंगे। इस तरह से एक ही कार्य संस्कृति से मंडल तक काम की व्यवस्था पहुंचे, इस प्रकार की रचना एक केंद्रीय कार्यालय में होने वाली है। अभी इसकी तैयारी हमारे 11 अशोका रोड पर शुरू हो गई है। मित्रों, प्रशिक्षण एक पार्टी का अविरत चलने वाला कार्यक्रम हम बनाने वाले हैं। मुझे कहते हुए आनंद है कि चुनाव के कारण एक साल का हमारा जो शेड्यूल था उसको थोड़ा लंबा करना पड़ा है।
मगर डेढ़ साल के अंदर 9 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का काम हमने समाप्त कर दिया है। मित्रों, बहुत बड़ी सिद्धि है। प्रशिक्षण की टोली ने जिस प्रकार से इस काम को हाथ में लिया और नीचे तक पहुंचाया है, मैं मानता हूं कि मंडल स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी के साथ जोड़ने का एक पवित्र प्रयास हुआ है। मित्रों, लाइब्रेरी भी, पुस्तकों की लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी और ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी, सभी कार्यालयों को मुख्य लाइब्रेरी के साथ जोड़कर हम बनाने वाले हैं। हर प्रदेश के इतिहास को, हर प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति को जोड़कर हर प्रदेश के लिए पुस्तकों की सूची बनना तैयार है और बाद में ये पुस्तकों की सूची के अंदर निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। अनेक प्रकार से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। आज इतना समय नहीं है, रक्षाबंधन है, आप सभी को भी घर पे जाना है, मगर ये 19 विभाग में पार्टी को बांटा है, 10 प्रकल्पों में हमारे कामों को शुरू किया है। मैं मानता हूं इसको नीचे तक तभी उसको ले जाया जा सकता है जब देश का हर कार्यकर्ता इस चीज को स्वीकार कर इसको सफल बनाने में लगे। आज बहुत पवित्र दिन पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का, मुख्यालय का भूमि पूजन आदरणीय नरेंद्र भाई के हाथ से हमने किया है, उनके कर कमलों से किया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि 1950 से 2016 तक की यात्रा, भले ही कठिन परिश्रम करने पड़े हो, त्याग देने पड़े हो, करने पड़े हो, बलिदान देने पड़े हो, मगर देश को एक आगे ले जाने के लिए हमारी पार्टी आज जरिया बनती हुई नजर आती है और पार्टी को यश भी काफी मिला है। इस मुख्यालय के भूमि पूजन से यहां पर जो मुख्यालय बनेगा, आने वाले अनेक सालों तक पार्टी को इससे भी ज्यादा यशस्वी, सफल और विजयी बनाने में माध्यम बनेगा। यहीं से पूरे देश के कार्य का रेखांकन होगा, यहीं से पूरे देश के कार्य की कार्य पद्धति बनेगी और यहीं से कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर, संस्कारित होकर देश भर में पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आज इस अवसर पर पार्टी के निमंत्रण पर पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष यहां पर पधारे हैं, अरुण जी भी आए हैं। मैं सभी का हृदय से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करता हूं और जो 3 पूर्व अध्यक्ष आज हमारे साथ नहीं है, उनके काम को भी स्मरण करते हुए, उनकी स्मृति में वंदन कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। सामान्य रीते संत परंपरा गुरु शिष्य बनावे सदियों से चालू पा रहे हैं, पर प्रमुख स्वामी